पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक बार फिर आमने सामने। खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान के बाद पीपल्स पार्टी की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह बोले। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जुल्फिकार अली भुट्टो से मुतालिक जहर आलूद गुफ्तगु की। शहीद भुट्टो पर मुल्क तकसीम करने का इल्जाम लगाना शर्मनाक है। एमक्यूएम से माफी मांगने का मुतालबा। कहा गवर्नर सिंह को भी फौरी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कोई गैर कानूनी काम किया है तो उसे उड़ा देंगे। जो भी तय होगा आइन से ही होगा। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा तस्लीम शुदा बात है। पीटीआई साल का वक्त देने के बावजूद कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवा सकी। जस्टिस मंसूर ने कहा जिस सियासी जमात का जो हक है उसे मिलना चाहिए। मजीद समात कल तक मुलतवी। लाहौर समेत पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में बारिश। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। निकासी आप की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला के फील्ड में पहुंचने की खबर मिलते ही इंतजामी अफसरान की दौड़े लग गई। मरियम नवाज की पंजाब भर में मानसून बारिशों के लिए बर वक्त इंतजाम की हिदायत।